हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं फ्रीक्वेंटली एफएमजी में और नीट पीजी में या फिर सीएमएस में, तो मैं उस टॉपिक का बहुत छोटा पार्ट ली हूँ जो मैं आप लोगों को यहाँ जैसे मैं याद की हूँ वो मैं बताना चाहती हूँ। और मे बी ये बहुत आप लोगों को यूज़फुल रहेगा, मेरा निमोनिक जैसे आप लोग देख सकते हो, अगर आपको यूज़फुल लगे तो सेम आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं क्यूब्स के, कि बच्चा किस एज में, मतलब किस मंथ में वो कितने क्यूब्स को ये क्या बोलते हैं बनाता है, टावर बनाता है, ऐसे, है ना। ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे बताते जाऊँगी कि किस मंथ में ये क्या क्या बनाएगा। ठीक, पहले हम स्टार्ट करते हैं 15 मंथ से। तो गाइस, 15 मंथ से हम स्टार्ट करते हैं, जो टू क्यूब्स का वो टावर बनाता है। ओके, पहला हम स्टार्ट करते हैं टू ही क्यूब से, तो टू क्यूब्स बनाएगा, टावर बनाएगा। तो गाइस, नेक्स्ट है 18, मतलब 3 महीने का गैप है ना, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ऐसे कर दो, 3 मंथ का गैप है, जो यहाँ पे 3 कर दो, तो 3 क्यूब्स का ये टावर बनाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में, अभी यहाँ पे 3 महीने का गैप है ना, तो हमें ऐसे करना है, यहाँ पे इधर 2 ईयर्स लिख दो, तो हमें यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 3 ज़ा 6, तो 6 to 7 क्यूब्स का टावर बना देगा। ठीक, और एक मुझे चीज़ बतानी है यहाँ 2 ईयर से, मैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, आप लोग नोट कर लो, जो है कि बेबी उस टाइम पे क्या चीज़ कॉपी कर सकता है, जैसे कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कॉपी करेगा, है ना। तो ये 2 है ना, तो 2 में ये 2 लाइंस हो गया, 1 2, जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ये भी ये बेबी इसको कॉपी कर सकता है। ठीक, अब आ जाते हैं 3 ईयर्स में। तो 3 ईयर्स में अगेन 3 × 3, जो हम लोग यहाँ पे 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग बताए थे, 3 मंथ का गैप है, तो 3 × 2 करना है हमें, तो 9 to 10 क्यूब्स का टावर बनाएगा। तो अभी हम लोग को यहाँ पे वो क्या कॉपी करता है, कौन सा मतलब ड्राइंग को कॉपी करता है, वो भी तो हमें बताना है। तो गाइस, 3 को ऐसे करो, 3 का 3 ऐसे लेते हैं हम लोग, एक ठीक, और एक नीचे नहीं डालना हमने, ऐसे कंटिन्यू कर देना। तो 3 का ये हो गया, तो ये करेगा सर्कल को कॉपी। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। फिर आ जाते हैं हम लोग 4th मंथ में, 4th ईयर में, सॉरी, तो 4 ईयर में ये क्या करेगा। तो गाइस, 4 ईयर में ये कॉपी क्या करेगा, तो आप लोग देखो, 1 2 3 4, तो 4 लाइंस, 1 2 3 4, तो ये रेक्टेंगल कॉपी करेगा। ओके, रेक्टेंगल जैसे आप लोग देख सकते हो, और आप लोग ध्यान से देखो तो एक ब्रिज जैसे भी लग रहा है ना, एक ब्रिज स्ट्रेट है और ब्रिज है ना, तो ये ब्रिज बनाएगा क्यूब्स की हेल्प से। ठीक, क्यूब्स की हेल्प से ये ब्रिज बनाएगा 4 ईयर में। अब देखते हैं हम लोग 5 ईयर में करेगा। 5 ईयर में गाइस, आप लोग देखो, 1 2 3, मतलब 3 बार हम लोग लिख रहे हैं तब ये 5 बन पा रहा है, 1 2 3, तो सेम चीज़ हमें यहाँ करना है, 1 2 3, तो ये बन गया ट्रायंगल, 1 2 3, है ना। तो वे भी ट्रायंगल बना सकता है 5 ईयर्स में। और यहाँ पे हम लोग क्यूब्स का ये बताना नहीं कि क्यूब्स से क्या करेगा, है ना। तो आप और एक मैं बताती हूँ, यहाँ पे 5 ईयर में बेबी और क्या करेगा, मल्टीपल लाइंस भी डालेगा, लाइक मल्टीपल लाइंस भी ड्रॉ करेगा, लाइक ना ऐसे क्रॉस मार्क्स। ठीक, तो क्रॉस मार्क्स वगैरह, तो ये क्यूब हो गया, लाइंस हो गया, क्रॉस मार्क्स हो गया, तो ये सब एक गेट टाइप का, नहीं गेट जैसे लग रहा ना, ये लाइंस हो गया, तो एक गेट भी ये क्यूब से बनाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हो, तो हमारा 5 में क्या क्या बना, एक तो ये बना है ट्रायंगल, और उस साथ में क्यूब्स में ये गेट बनाया है। ठीक, ये हो गया हमारा 5 ईयर में। फिर 6 ईयर में ये क्या करेगा, 6 ईयर में हमें 6 चीज़ें इसका यूज़ करना है। देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो एक डायमंड बन गया, तो बेबी डायमंड बनाएगा
सिक्स ईयर्स में। विद दैट वो स्टेप्स भी कॉपी करेगा, जैसे कि क्यूब्स में, सॉरी क्यूब्स में वो स्टेप्स बनाएगा ऐसे। तो ऐसे आप लोग, ये लास्ट है, तो ऐसे स्टेप्स भी वो क्यूब्स में बनाएगा। सो गाइस इतना ही फाइनल आप लोग देख सकते हो, और होप करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर करो, उन लोग को भी यूज़फुल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन यूजुअली आ जाता है क्वेश्चंस मेन एग्जाम्स में। तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।